एक ऐसा प्लान जिसके सामने सारे बिजनेस प्लान फेल हैं, एक ऐसा प्लान जो हर तरह का व्यक्ति अपना सकता है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई प्लेसमेंट। जी हाँ, आज हम RCM बिजनेस प्लान को समझेंगे बहुत ही सीधे और इजी तरीके से। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। आज हम इस दुनिया में आए हैं तो हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। क्यों? उसे पैसा कमाना है और उस पैसे से उसे खर्चा करना है उसकी ज़रूरतों के अनुसार। और ये जो खर्चा है इसे हम सभी बाजार या किसी ना किसी तरह के मार्केट में ही करते हैं। अब ये जो मार्केट है इसमें हम सभी एक ग्राहक हैं, एक कस्टमर हैं। और हम सामान लाते हैं, अपने घर का जो सामान लाते हैं आसपास की दुकान से लाते हैं या रिटेल में लाते हैं, जो भी रिटेल का सामान बेचता अब है। ये रिटेलर क्या अपने घर में सामान बनाता होगा? जी नहीं, ये आगे से किसी होल सेलर से सामान लाता है। और ये होल सेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, ये भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने से भी आगे C&F एजेंट से सामान लाते हैं, जिनके फैक्ट्री से सीधा कनेक्शन होते हैं जहाँ पर सामान बनता है। और ये C&F एजेंट फैक्ट्री से लॉट में माल उठाते, लॉट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये है एक सप्लाई चेन जिससे सामान फैक्ट्री से हम तक पहुँचता है। इसे ट्रेडिशनल मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि ये सिस्टम सदियों से चलता आ रहा है। अब इसमें यदि हम गौर करें तो फैक्ट्री में कोई 50 रुपये की चीज़ बन रही है तो क्या वह हमारे तक आते आते 50 की रहेगी? जी नहीं, उसकी रेट दुगुनी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्ट्री और कस्टमर के बीच बिचौलिए बैठे हैं ना, ये अपना अपना मार्जिन लेते हैं और कम से कम बिचौलिए 20% मार्जिन ले जाते हैं। और कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए भी विज्ञापन करवाती है जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं विज्ञापन के लिए, जो हम अक्सर टीवी में देखते हैं। तो कम से कम 30% पैसा विज्ञापन पर भी चला जाता है। तो 50% पैसा हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर एक सामान पर जो कि हमारी जेब से लग रहा है। और ये जो बीच वाले हैं ये अपने लालच के लिए कंपनी के सामान में फेर बदल भी कर सकते हैं या मिलावट भी कर सकते हैं, यानी हम तक सामान महंगा भी आ रहा है और शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस सिस्टम में कुछ परिवर्तन किया गया। इसमें ये देखा गया कि सप्लाई चेन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कस्टमर और फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री में सामान बनेगा तो ग्राहक तक पहुँचेगा और ग्राहक यदि लेगा नहीं तो सामान कहाँ जाएगा, इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें ये परिवर्तन किया गया कि बिचौलियों को और विज्ञापन को इसमें से हटा दिया गया और फैक्ट्री या कंपनी ने हर एरिया में अपनी एक दुकान खोल के दी जहां हर कस्टमर आकर सामान खरीद सकता है। और जहां ये दोनों ही आ गए वहां पर मार्केट स्टार्ट हो गया। तो इसी का नाम दिया गया RCM, यानी राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, हिंदी में कहें तो खरीदारी करने का सही तरीका। इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। इसमें यदि हम फायदों की बात करें तो पहला फायदा यही है कि 100% शुद्धता, क्योंकि बिचौलिए हट जाएंगे तो मिलावट का खतरा कम हो जाएगा। दूसरे फायदे की बात करें तो पक्का बिल, यदि आप 1 रुपए का भी सामान RCM की दुकान से खरीदेंगे तो आपको पक्का बिल दिया जाएगा। और तीसरा फायदा है कि MRP पर 10 से 20% की छूट, यानी आप कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर लिखी MRP से आपको छूट मिलेगी। चौथे फायदे की बात करें तो आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी मिलेगी। और पांचवें फायदे की बात करें तो आपको 10 से 45% तक कैश बैक मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर ये वाला वीडियो देखिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों ये सारे फायदे हमको दूसरी दुकान से सामान लेने पर नहीं मिल रहे थे, सिर्फ यहीं से ही मिलेंगे। तो ये सारे फायदे तो थे जब हम घर के सामान का खर्चा किसी और दुकान से नहीं करके इस दुकान से करें। और यदि हम खर्चा की जगह थोड़ी सी चर्चा अगर करने लग जाएंगे तो कंपनी हमें एक और फायदा देगी जो है बिजनेस करने का मौका, जिसकी जानकारी भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इन सब फायदों के लिए आपको RCM में ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगानी होगी जो RCM के एप्लीकेशन से आसानी से लग जाती है। और इसके लिए आपको चाहिएगा आधार कार्ड के आगे और पीछे का फोटो, बैंक की पासबुक या चेक का फोटो, आपका अपना पासपोर्ट साइज फोटो और नॉमिनी डिटेल्स और कुछ अदर डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह। तो ये था RCM का प्लान जिसे आप किसी अन्य व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।